स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सोमवार को भारी बारिश के बीच लोहरदगा के बीएस कॉलेज स्टेडियम में तिरंगा शान से लहराया। मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने झंडोत्तोलन किया। इससे पूर्व मंत्री द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया, साथ ही तिरंगे को सलामी भी दी गई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। कोविड 19 संक्रमण काल के दौरान बेहतर कार्य करने वालों और टीकाकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को जिला प्रशासन द्वारा मेडल, प्रमाण पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया गया। झारखंड सरकार के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव, उपायुक्त डॉ. वाघमारे प्रसाद कृष्ण और SPR राम कुमार ने सम्मानित करने का काम किया। विदेशी ताकतों के आने के बाद उन ताकतों ने देश को कमजोर किया था, देश का शोषण किया था, दोहन किया था। आजादी के बाद हम नए भारत की शुरुआत किए, एक विकसित भारत की शुरुआत किए, हर क्षेत्र में विकास, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सेवाओं के क्षेत्र में, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में, परंपराओं को बेहतर बनाने के क्षेत्र में, सभी तरह में विकास हमने शुरू किया, देश ने शुरू किया। 75वें वर्ष जिसे हम आज देश में अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, यह अब मजबूत देश है। किसी की हिम्मत नहीं है इस देश को बुरी नज़र उठा के देख सके। बहुत ही मजबूत देश हुआ, हमारे सीमाएं मजबूत हैं, हमारे लोग कितने शिक्षित हो गए हैं। याद कीजिए, जिस समय देश को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, यहाँ का शिक्षा दर 14% के लगभग, आज 85% लगभग हो गया। इतना शिक्षा का विकास हुआ, उसी तरह उद्योग में विकास हुआ। हम बाहर से अनाज मंगाते थे अपने लोगों के लिए, लोगों को खिलाने के लिए, जबकि जनसंख्या कम होती थी उस जमाने में। आज हम इतने विकसित हो गए कृषि के क्षेत्र में, सशक्त मंच बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आगमन के पश्चात कांग्रेस की इस पहल में आम नागरिकों का जुड़ाव बढ़ा, इसके पश्चात सत्य अहिंसा सत्याग्रह असहयोग। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।